हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आर्टिकल को गूगल में रैंक कैसे करवा सकते हैं, किस तरह से आप आर्टिकल लिखेंगे जिससे आपका गूगल में पोस्ट जो है रैंक करेगा और आपको ट्रैफिक मिलेगा। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम यहाँ पे, जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ऐसा कीवर्ड रिसर्च करेंगे जिससे हमारा चांसेस जो है वो गूगल में रैंक करने का बढ़ जाए। सो इसके लिए आपको केजीआर टेक्निक अपनाना होगा। केजीआर टेक्निक से आप ऐसे कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं जिसको रैंक कराना काफ़ी आसान होता है, उस पर सर्च वॉल्यूम कम होता है बट वो रैंक करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे ये कीवर्ड है, सागर गोस्वामी बायोग्राफी इन हिंदी। अभी इस कीवर्ड पे देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग रैंक किए हैं। ये पहला पेज है, आप देख सकते हैं, ये पहला पेज है और इस पहले पेज पे आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट द हिंदी बायोग्राफी डॉट इन पहले पेज पर यहाँ पे रैंक कर रही है। अभी इस पे हम वर्क करते हैं और भी थोड़ा बहुत इसको ऑप्टिमाइज करते हैं इस आर्टिकल को, तो मे बी ये आर्टिकल हमारा पहले नंबर पे भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे पहले पेज पर लाया अपने इस आर्टिकल को। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, ठीक है। आप भी रैंक करना चाहते हैं गूगल में, सो ये वीडियो आपके लिए है, देखते रहिएगा। उससे पहले एक चीज़ और बोलूँगा दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि एचरेफ टूल को आप कैसे यूज कर सकते हैं। वेब मास्टर टूल इन्होंने लॉन्च किया है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आप साइट ऑडिट कर सकते हैं, बैक लिंक चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्रोकर लिंक चेक कर सकते हैं, अपने साइट का हेल्थ भी चेक कर सकते हैं। सो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे मिल जाएगा। अब आते हैं अपने हम आर्टिकल पर। अभी देखिए, हमने आर्टिकल यहाँ पे लिखा, ये हमारी पोस्ट है, यही पोस्ट है जो हमारी रैंक कर रही है, ठीक है, सागर गोस्वामी बायोग्राफी इन हिंदी, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या क्या तरीके अपनाए थे जिससे मेरा ये आर्टिकल गूगल के पहले पेज पर आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च किया था सागर गोस्वामी बायोग्राफी इन हिंदी, तो ये कीवर्ड रिसर्च मैंने किया और इस पर मुझे आर्टिकल बनाना था। तो सागर गोस्वामी बायोग्राफी इन हिंदी, ये हमारा यहाँ पे देखिए हमने टाइटल इस पर बनाया, सागर गोस्वामी बायोग्राफी इन हिंदी, ठीक है। इसमें जीवनी, टिकटॉक, एज और इनकम। अभी जब ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे सर्च किया सागर गोस्वामी बायोग्राफी इन हिंदी, तो यहाँ पे नीचे आपको देखना है सर्च रिलेटेड में सागर गोस्वामी बायोग्राफी इन हिंदी और भी गूगल में क्या यहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, सागर गोस्वामी गर्लफ्रेंड, सागर गोस्वामी लाइफ स्टाइल, इस तरह से इनकम इनका, तो ये सारी चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम यहाँ पे टाइटल ऐसा रखेंगे ताकि हमारा कीवर्ड्स हमारे टाइटल में आ जाए, मेन कीवर्ड भी आ जाए और साथ ही साथ छोटे छोटे कीवर्ड भी आ जाएं। तो इसलिए हमने टिकटॉक, एज और इनकम को यहाँ पे ऐड किया। तो ये हमारा हो गया टाइटल। उसके बाद हमने फीचर्ड इमेज को एक बनाया अच्छा सा, यहाँ पे फीचर्ड इमेज आ गया। अब आप जब भी आर्टिकल लिखेंगे तो शुरू के दो पैराग्राफ में, ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, शुरू के पैराग्राफ में आपको यहाँ पे अपने मेन कीवर्ड को ऐड करना है, सागर गोस्वामी बायोग्राफी इन हिंदी। तो ये हमारा मेन कीवर्ड हो गया पहले पैराग्राफ में। देखिए, 10% आपका जो कंटेंट होता है शुरुआत का, उसमें आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। हमारे टाइटल में हमारा मेन कीवर्ड आ गया और हमारे पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में भी मेन कीवर्ड आ गया। अब आपको नीचे आना है, आप यहाँ पे जो हेडिंग्स रखते हैं H2, H3, H4 जो हेडिंग रखते हैं, उसमें भी आपका एक हेडिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए। जैसे कि सागर गोस्वामी बायोग्राफी इन हिंदी, ये हमारा मेन कीवर्ड है और ये H2 हेडिंग है, तो इसके अंदर भी हमारा मेन कीवर्ड एक आ गया, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे कीवर्ड भी जो लोग सर्च करते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फोटो यूज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हैं। SEO के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कम से कम आप 2 फोटो ज़रूर यूज करें अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो, ठीक है। फालतू के फोटोज ना यूज करें, अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मिनिमम आपको 2 फोटो ज़रूर यूज करने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो यूज किया। उसके बाद आपको इनका यहाँ पे, जैसे ये मैंने बायोग्राफी के बारे में लिखा तो थोड़ा बहुत बायोग्राफी लिखा। देन आपको यहाँ पे टेबल यहाँ पे बनाने की ज़रूरत पड़ती है बायोग्राफी में, सो मैंने यहाँ पे टेबल रखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सागर गोस्वामी इनकम, तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने सागर गोस्वामी मंथली इनकम
यहाँ पे ये सारे चीज़ें सर्च होती हैं गूगल पे। तो मैंने हेडिंग में H3 हेडिंग में यहाँ पे सागर गोस्वामी का इनकम लिखा, सागर गोस्वामी की फैमिली यहाँ पे, ये भी सर्च हो रहा था। तो आपको गूगल से देखना है इस बंदे के बारे में, जिसके बारे में भी आप लिख रहे हैं, जिसके बारे में भी आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए लोग इससे रिलेटेड भी क्या क्या सर्च कर रहे हैं। वो सभी चीज़ें अगर आप अपनी आर्टिकल में ऐड करते हैं तो इससे आपका कंप्लीट कंटेंट बन जाएगा, आपका आर्टिकल कंप्लीट होगा और गूगल उसको रैंक करेगा। अभी देखिए सागर गोस्वामी लाइफ स्टाइल मैंने लिखा, तो इस तरह से यहाँ पे सागर गोस्वामी गर्लफ्रेंड, यहाँ पे ये भी सर्च हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करी। तो आपको भी इस तरह से ऐड करना है, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल वर्ड जरूर लिखें, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं आप उसमें अंतिम शब्द जरूर लिखें। अब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी आर्टिकल जो है गूगल में टॉप पोजीशन पर आ रही थी, सॉरी पहले पेज पर आ रही थी। टॉप पोजीशन पे भी बहुत सारे आर्टिकल मेरे आए हैं जो मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अभी ये तरीके अगर आप अपनाते हैं, जो तरीके मैंने बताएं, तो आपका भी आर्टिकल यहाँ पे गूगल में रैंक करेगा। देख सकते हैं ये आर्टिकल यहाँ पे गूगल में रैंक कर रहा है मेरा, पहले यहाँ पे देखिए पहला पेज ही है और यहाँ पे 7वें नंबर पर यहाँ पे रैंक कर रही है। अभी मैं यहाँ पे कोई और कीवर्ड लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कैरी मिनाटी पर भी एक बार लिखा था बायोग्राफी, तो कैरी मिनाटी बायोग्राफी इन हिंदी। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे फीचर्ड इमेज में medium.com का यहाँ पे रैंक कर रहा है, और जस्ट उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं पहले पोजीशन पे, जीरो पोजीशन, पहला पोजीशन पे यहाँ पे देख सकते हैं कैरी मिनाटी बायोग्राफी इन हिंदी, द हिंदी बायोग्राफी डॉट इन। तो यानी कि हमारी जो वेबसाइट है द हिंदी बायोग्राफी डॉट इन, वो रैंक कर रही है पहले पोजीशन पर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि आर्टिकल कैसे रैंक करता है। दोस्तों ये तरीके ज़रूर आप अपनाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो आ चुकी हैं, जो आप लोग जिसको जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।